तो बिजनेस कैसे करें, मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेसमैन से मिला रहा हूँ जो हज़ारों लोगों को स्वावलंबी बना रहे हैं, ऐसी मशीनें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो देश के नौजवान युवाओं को काम आ रही है, चाहे वो बेरोजगार हों, चाहे वो ऐसे लोग हों जो खुद नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं, नोएडा से सीधे नासिक महाराष्ट्र में हूं, जहां पर मैं आपको ऐसे गृह उद्योग के बारे में बता रहा हूं जिसमें आप अपने परिवार के साथ रहकर हज़ारों रुपये हर महीने कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट है, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन मैन्युफैक्चरर का दावा है कि आप अगर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आपको मार्केटिंग की चिंता नहीं करनी है क्योंकि कंपनी सारा माल खुद ब खुद खरीदेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो भी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोज़गार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर्मी लो दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। दोस्तों सरकार की कोशिश है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब भारत के नागरिक आत्मनिर्भर हों, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों और अपना रोज़गार स्वयं तलाशते हों। मैं समझता हूं कि नौकरी की तलाश के लिए शहरों की तरफ भागना कोई जायज़ नहीं है, अपने परिवार को छोड़ना ठीक नहीं है। तो ऐसा कोई कारोबार जो आप अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ रहकर अपने गांव, देहात, कस्बे या शहरों से ही कर सकें, मैं समझता हूं ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र के नासिक में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है प्रगति गृह उद्योग के ओनर मिस्टर राजेश कदम जी। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी, बिज़नेस कैसे करें मैं। चलिए जी, आपका स्वागत है प्रगति गृह उद्योग में। मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि कैसे आप बाकी हज़ारों लोगों को जो कारोबार दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं। तो मेरे दोस्त अगर वो खुद स्वावलंबी बनना चाहें, अपने पैरों पे खड़ा होने चाहें, तो क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं? सर ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, ये जो मशीन है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस बिज़नेस के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वो मशीन मैन्युफैक्चरिंग है हमारा खुद का, और उस मशीन के लिए जो लगने वाला रॉ मटेरियल है वो हम खुद ही देते हैं, और जो तैयार किया हुआ माल है फिनिश गुड वो भी हम वापस लेते हैं, जो कि बायबैक नोटरी एग्रीमेंट के साथ लेते हैं। 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटरी एग्रीमेंट किया जाता है और उसके हिसाब से हम वो वापस लेते हैं। मतलब मेरे दोस्तों को मार्केटिंग की चिंता नहीं करनी, नहीं रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने की चिंता नहीं करनी, बिल्कुल। और प्रोडक्शन आसान है मशीनों से बनाना? बिल्कुल आसान है सर, घर का ये हर कोई सदस्य आसानी से कर सकता है। अपनी जो घरेलू बिजली रहती है उस बिजली के ऊपर चलने वाला है, और कम जगह में, मतलब कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप जगह की, तो छोटी सी जगह में आप वो चालू कर सकते हैं। घरेलू बिजली के ऊपर चलने वाला बिजनेस है और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग या एजुकेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है, गाँव से रह के भी कर सकता है, शहर हो चाहे गाँव हो, छोटा कस्बा हो, हर घर में, हर घर का हर कोई सदस्य करने वाला ये बिज़नेस है और एकदम आसानी से करने वाला है। आप कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है फिनिश गुड है वो आप खरीद लेंगे? बिल्कुल। तो मार्केट में डिमांड है क्या, वो अगर बाहर बेचना चाहें तो वो बेच सकते हैं, वहाँ पे डिमांड मिलेगी उनको? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, यदि अगर किसी को लोकल मार्केट में सेल करना है, बेचना है, तो वो वहाँ पे भी बेच सकते हैं। अगर किसी को मार्केटिंग का झंझट नहीं रखना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको मार्केटिंग नहीं करना है, तो वो तैयार किया हुआ पूरा मटेरियल हमें दे सकते हैं। पर जैसे आपने कहा बायबैक एग्रीमेंट करेंगे, बायबैक एग्रीमेंट में तो लीगली वो बाध्य तो नहीं हो जाएंगे कि सिर्फ आप ही को देंगे, एग्रीमेंट के बावजूद भी वो बाहर मार्केट में सेल कर सकते हैं? वो एक्चुअली एग्रीमेंट में वैसा लिखा हुआ रहता है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं सर जो खुलती हैं, बायबैक का प्रॉमिस करती हैं,
पर वो धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, मशीन बेच के वो निकल जाती हैं। तो आप में और बाकी कंपनियों में क्या अंतर है, कैसे मैं मान लूँ कि आप जो कह रहे हैं एकदम सही है? बिल्कुल सर, इसमें ऐसा है, मेन अंतर ये होता है सर बाकी कंपनी में और हमारे में, बाकी की कंपनियाँ क्या करती है, एग्रीमेंट नहीं करती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून से बड़ा कोई बंदा नहीं है। बिल्कुल, तो जिसको चीट करना होता है वो कभी भी लीगल प्रोसेस में जाएगा नहीं, और जिसको चीट नहीं करना होता है वो बिना लीगल के वो काम करेगा ही नहीं। जी ऐसा है। तो हमारा जो काम करने का तरीका यही है कि हम 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटरी एग्रीमेंट करते हैं, और उसके बाद ही हम मशीन दे करके काम स्टार्ट करवाते हैं। मतलब मेरे दोस्त रॉ मटेरियल बनाएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा तो आपके ऊपर कानूनी रूप से केस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसमें हम लोग अगर मुखर जाते हैं माल लेने के लिए या पेमेंट करने के लिए या जो भी, तो उस वक्त वो लीगल एक्शन हमारे खिलाफ ले सकते हैं। वेरी नाइस, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो मशीन है, ये मशीन को चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं? उसके लिए हम लोग तो डेमो दिखाई देंगे, मशीन में काम कैसे करना है, किस तरह से मशीन ऑपरेट करना है, ये सब हम डेमो में दिखा देते हैं। दूसरी बात, हम उनको वीडियो भी भेजते हैं, हमारे जितने भी कस्टमर है उनको हम यहाँ से वीडियो भेजते हैं, साथ में उसका कोटेशन भी सेंड करते हैं कि भाई मशीन में कितनी लागत लगेगी और उसमें कितना मुनाफा वो कर सकते हैं, कमा सकते हैं, वो सब का डिटेल जो है कोटेशन में भी हम उनको देते हैं। और साथ में जो एग्रीमेंट हम नोटरी करते हैं तो उसका जो PDF है वो भी हम उनको व्हाट्सअप कर देते हैं, ताकि हमसे जुड़ने से पहले उनका पूरा जो भी सेटिस्फेक्शन है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। अब बहुत सारे बात हो सकती है, जैसे मान लीजिए उन्होंने आपसे एग्रीमेंट मंगाया पर उनको समझ नहीं आया, तो फिर भी क्लैरिटी के लिए अगर आप बता पाएँ कि कितना मुनाफा हो सकता है, और जो आप कह रहे हैं कि मशीन जो है वो आपसे खरीद सकते हैं, तो क्या प्रोसेस क्या रहता है? एक ही तरीका है कि जिनके पास पेमेंट है वही खरीद सकते हैं? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो क्या वो ये कारोबार नहीं कर पाएंगे? नहीं, इसमें ऐसा है सर, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को रोज़गार दिलाना। बाकी के जैसे अभी आपने पूछा कि बाकी की कंपनी शुरू हो जाती है बंद हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि सिर्फ उनको मशीन बेचना है। हमको सिर्फ मशीन नहीं बेचना है, हमको लोगों को रोज़गार देना है, जो घर बैठ के आसानी से महीने का 10 से 15 हज़ार कमा सकती है, तो उस हिसाब से हमारा काम है। और रही बात आपने जो ये बताया कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं कि जिनके पास इतनी लागत नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है हमारे इसमें। हम लोग जो मशीन देते हैं वो रेंट पे भी देते हैं, यदि किसी को काम करना है लेकिन उसके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो वो किराए पे मशीन लेकर के भी घर बैठ के वो काम कर सकता है, तो उसका जो डिपॉजिट है वो भी डिपॉजिट रिफंडेबल रहता है। वो कैसे रहता है, क्या उसका एग्रीमेंट रहता है, तो उसका जो डिटेल है हमारी टीम उनको जब वो कॉल करेंगे तो हमारी टीम उनको उसका पूरा डिटेल व्हाट्सअप करेगी, सेंड करेगी। दूसरा जो होता है एक किस्त पे यानी EMI पे भी मशीन देते हैं, यदि किसी को मशीन लेना है लेकिन पूरा पेमेंट नहीं है तो वो EMI पे भी ले सकता है। और तीसरा होता है फुल पेमेंट, यानी बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं कि हमारे पास 5 मशीन 10 मशीन का यूनिट लगा करके भी वो दूसरों को भी रख करके काम करा के ले सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर है। तो उस हिसाब से ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी हो, चाहे काम करने की कैपेसिटी हो, चाहे इनकम करने की कैपेसिटी हो, तो ये तीनों के अलग अलग है, तो वो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुनाफा कितना होता है जनरली, मतलब परिवार आराम से चल पाएगा, इतना मुनाफा हो पाता है? महीने का 10 से 15 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। ओके, और जैसे आपने कहा कि EMI पे ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं या फुल पेमेंट करके ले सकते हैं, तो जो मुनाफा होगा क्या उसका असर वो उस हिसाब से रहता है ना सर? ओके, मतलब जो रेंट वाला ले रहा है रेंट पे तो उसमें थोड़ा कम मुनाफा होगा, जो EMI पे ले रहा है तो रेंट वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो फुल पेमेंट पे ले रहा है तो ये दोनों से ज़्यादा होगा। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को, चूँकि मशीन है तो ऑपरेट करना तो पड़ेगा ही, बिना मशीन ऑपरेट किए तो हो नहीं सकता, प्रोडक्शन करना होगा तभी कमाई होगी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, तो क्या वो मिलके काम कर सकते हैं? तो एक डेमो अगर आप दे सकें मशीन का, जिससे बिल्कुल हम आपको दिखा देंगे कि मशीन किस तरह से चलाना है, किस तरह से काम करना है, ये सब आपको दिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये राउंड कॉटन विक मशीन किस तरह से काम करती है, इसमें कॉटन कैसे लगाया जाता है, बत्ती कैसे बनती है,
और ये अपने घरेलू बिजली पे सिंगल फेज पे चलती है, बहुत ही कम जगह में चलती है। तो अभी मैडम आपको डेमो दिखा देंगे। मैडम दिखाइए। ये अपने घरेलू बिजली पे सिंगल फेज पे चलती है और बहुत ही कम जगह में इसको जगह बहुत कम लगती है, ये देखें। तो दोस्तों देखा आपने कि राजेश कदम जी एक समाज सेवा का काम भी कर रहे हैं, ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो मेरे गांव देहात के दोस्तों को जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं या ऐसे लोग जिनके पास पैसा है लेकिन वो दूसरों को कारोबार देना चाहते हैं, रोज़गार देना चाहते हैं, तो ज़्यादा मशीनें लगा के वो ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, ख़ुद की भी आमदनी बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी नौकरियां दे सकते हैं, उनको रोज़गार दे सकते हैं। तो ऐसा ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो राजेश कदम जी ने दी है, मैं कहता हूँ एक समाज सेवा है, देश सेवा है। और मैं समझता हूँ राजेश जी आपके लिए पहले तो धन्यवाद कि आप ऐसे सुविधाएँ मेरे दोस्तों को दे रहे हैं। पर एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब निवेश की बात आती है तो कितना निवेश करना पड़ेगा मेरे दोस्तों को अगर वो ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो। देखिए सर, कोई भी छोटा मोटा अगर हम बिज़नेस का सोचते हैं करने के लिए तो कम से कम 2-5 लाख रुपए उसमें लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें 2-5 लाख की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा एक मशीन लेकर के काम चालू करता है तो उसको 1 लाख के अंदर ही, मतलब कम निवेश में ये चालू कर सकता है। वो तो मैंने आपको 3 इसमें बताया, तो वो डिपेंड कस्टमर के ऊपर करता है कि उसको किस में लेना है। जी जी जी, ऐसा है। और कितना मशीन लेना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर है जो 5 मशीन 10 मशीन का यूनिट लगा के भी काम करते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे है कि 2 मशीन लेकर के भी काम करते हैं। तो वो हर एक के इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी के कंपनी, जैसे आपने पूछा कि बाकी के कंपनी बोलती है और फिर बाद में ले लेती नहीं है, तो उसमें क्या है, वो बोलते हैं इतना मटेरियल होगा उतना माल बनेगा। हम लोग ऐसा नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि आप कितना कर सकते हो। जी, आपको इनकम करनी है तो आप जितना बनाएंगे उतना हम आपसे तैयार माल वापस लेंगे। अच्छा, वो चाहे कितना भी बनाए, कितना भी बनाए, क्योंकि मशीन है वो बड़े आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, कितने भी वक्त चला सकते हैं, चाहे एक समय में एक सदस्य ने चलाया फिर दूसरे समय में दूसरे सदस्य ने चलाया और प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो सारा प्रोडक्शन वो पूरा पूरा जितना हम लोगों ने रॉ मटेरियल उनको दिया है उतना वो रेडी करते हैं, तो उतना फिनिश गुड हम वापस ले लेते हैं, चाहे तो वो मार्केट में भी सेल कर सकते, सेल कर सकते। राइट, तो अब जैसे ये जो आपका रॉ मटेरियल है, मशीन है, ये कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, पूरे देश भर में? पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका सप्लाई है और हमारे ऑल ओवर इंडिया में कस्टमर है। मेरे पास आज के तादाद में कम से कम 2 से 2500 कस्टमर एट प्रेजेंट काम करते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम यूपी से, बिहार से या कर्नाटक से, वहाँ पे होगा क्या? तो मैं इसके जरिए ये बताऊँगा कि हर जगह पे आप कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ का टेंशन फ्री है। एक तो सबसे पहली बात कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद हम ही दे रहे। दूसरी बात कि तैयार फिनिश गुड जो है वो आपको मार्केटिंग करने का हेडेक नहीं है, झंझट नहीं है। आप अगर चाहे तो आपके उधर लोकल मार्केट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना है तो वो पूरा तैयार माल हमें दे सकते हैं। अब मेरे दोस्त बहुत सारे नेपाल में भी हैं, और चूंकि नेपाल हम जानते हैं वहाँ पे बहुत मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, और बहुत सारे लोग डेली हिंदुस्तान दे सकते हैं, वहाँ पे भी दे सकते, दे सकते हैं, दे सकते हैं रॉ मटेरियल भी और मशीन भी, मशीन भी पूरा। ओके, वेरी नाइस। तो मैं समझता हूँ दोस्तों मैंने बहुत सारी जानकारी देने की आपको कोशिश की है। बाकी जानकारी के लिए आप राजेश कदम जी और उनकी टीम से खुद संपर्क करिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि निर्णय जीवन में बहुत ज़रूरी है। हाँ या ना में निर्णय लिए जाते हैं जानकारी के आधार पर, और जो फैंसिटर्स होते हैं जो ना दीवार के इधर कूदना चाहते हैं ना दीवार के उधर कूदना चाहते हैं, तो फिर वो हमेशा अधर में लटके रहते हैं। अगर आपको मंजिल पानी है तो नीचे आके सड़क पे चलना पड़ता है, सफ़र तय करना पड़ता है, जिसके लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। तो पहला कदम उठाइए, कॉल करिए राजेश जी और उनकी टीम को। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।